ओम वंदे गौ मात्र। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का पठन कर रहे हैं। हमने अभी तक देखा कि किस प्रकार राजा परीक्षित शापित होते हैं, सुखदेव जी उनकी मुक्ति कराने के लिए आए हैं, भागवत की कथा सुना रहे हैं, प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। और उसी कथा के प्रसंग में हमने पिछले अंकों में देखा कि किस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति हुई। कर्दम ऋषि और देवहूति विवाह करते हैं। नौ कन्याओं के जन्म के बाद उनको लंबे अंतराल के बाद दशमी पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसमें उनको कपिल महाराज का जन्म होता है, उनके यहाँ भगवान का जन्म होता है। और पिछले अंक में हमने पढ़ा कि कपिल मुनि का जन्म होता है और उसके बाद देवहूति अपने पुत्र से ही अपना उपदेश मांग अपने प्रश्नों के उत्तर के रूप में उपदेश चाहती है। और वही प्रसंग चल रहा है जिसमें वो कपिल गीता सुना रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आज का पाठ आरंभ करने से पहले मंगलाचरण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और आप जिनकी उपासना करते हैं उनके नाम से कम एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिए, क्योंकि ये भी ईश्वर भक्ति की एक विधि है। आप लिखेंगे, हम पढ़ेंगे, हमारे साथ हमारे अन्य दर्शक भी पढ़ेंगे, तो उतनी बार आपकी तरफ से ईश्वर का नाम लिया जाएगा, तो है ना, अनंत बार हो जाएगा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भगवान कपिल का भक्ति योग का वर्णन और हनुमान जी को सफ़ेद पुष्प लाल क्यों दिखाई दे रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है, बड़ा ही रोचक प्रसंग है, आप सुनेंगे तो आनंद आएगा। चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। संसार पर वैराग्य लाने का एक ही उपाय है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। इस जगत में सुखी होने के दो मार्ग हैं, एक मार्ग ज्ञान मार्ग है और दूसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग कहता है कि सब कुछ छोड़कर परमात्मा के पीछे पड़ो, बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान मार्ग में वैराग्य मुख्य है, इसमें सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। ज्ञानी सब कुछ छोड़कर एक भगवान के पीछे ही पड़ता है। इस मार्ग में त्याग प्रधान है। इस मार्ग के आचार्य शिव जी हैं। सर्वस्व का त्याग करना बड़ा कठिन कार्य है। आप शिव जी को देखिए, उनके पास वो सारी चीज़ें हैं जो संसार के लिए अमंगल कही जाती है, जिसका संसार कोई उपयोग नहीं करता। जैसे भस्म उनका श्रृंगार है, मृग छाल उनका वस्त्र है, जो मृग मर गया उसकी छाल ले ली भाई, उसी को वस्त्र बना लिया, मतलब किसी को कष्ट नहीं देते हैं, बिना किसी के कष्ट के वो अपना जीवन यापन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि घर की जो वो राख है वो तो लोग अपने बर्तन वगैरह धोने में उपयोग लेते थे, लेकिन शमशान की राख किसी काम की नहीं, इसलिए वही वो अपने उसके रूप में लेते हैं, श्रृंगार के रूप में। भक्ति मार्ग कहता है कि सर्वस्व का त्याग करना कठिन है, इसकी अपेक्षा तो उचित है कि सभी कुछ ईश्वर का है, ऐसा मानकर सभी से विवेकपूर्वक प्रेम करो। इस मार्ग में भागवत भाव रखना, समर्पण करना है। भक्ति मार्ग में सब कुछ छोड़ने की बात नहीं है। वैष्णव कहेगा कि केला तो मैंने खा लिया, लेकिन केले की छाल में भी भगवान है, मैं इसे गाय को खिलाऊंगा। यानी कि हमारे यहाँ कोई भी चीज़ नष्ट या व्यर्थ नहीं होती थी, ऐसा कहने का तात्पर्य। और ये तब तक नहीं होता था क्योंकि उस समय तक प्लास्टिक का चलन आज की तरह नहीं था। आज तो हर जगह ना जाने कितना सारा वेस्टेज है, तब प्लास्टिक का चलन ऐसा नहीं था। आगे बढ़ते हैं। भक्ति मार्ग में समर्पण मुख्य है। इस मार्ग के आचार्य श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण हर किसी से प्रेम करते हैं। इस मार्ग में हर किसी के साथ प्रेम करना होता है। भगवान जैसा प्रेम ना कोई प्रेमी ना कोई दूसरा हुआ है और ना ही होगा। कैसा प्रेम है भगवान का वो देखिए। एक बार भृगु ऋषि वैकुंठ में गए, भगवान सो रहे थे, लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा कर रही थी। भृगु को लगा यह तो कोई विलास ही लगता है, उसे बड़ा देव कौन कहे। ऋषि तो परीक्षा करने आए थे, अतः उन्होंने सोए भगवान की छाती पर लात मार दी। भृगु ऋषि ने लात मारी, किंतु उस लात मारने वाले से भी मेरा कन्हैया प्रेम करता है। भगवान ने ऋषि से कहा कि मेरी छाती अत्यधिक कठोर है और आपके चरण कोमल हैं, कदाचित आपके चरणों में चोट आ गई होगी, आओ मैं इन्हें दबा दूं। और इतना कहकर ऋषि के चरण वो दबाने लगे। और कई जगह एक प्रसंग और मिलता है कि वो कहते हैं कि मेरी छाती कठोर है, तुम्हारे चरण कोमल है, इनमें चोट लग गई है, लाओ इसमें दवा लगा दूं, औषधि लगा दूं, लेप लगा दूं, ताकि तुम्हारी चोट ठीक हो जाए, पीड़ा हो रही है, चोट लग गई है, ठीक हो जाए, ऐसा कहने का तात्पर्य होता है उनका। वहाँ पर है कोई जगत में ऐसा प्रेम करने वाला दूसरा, विष देने वाले से भी कन्हैया प्रेम करता है। लक्ष्मी जी को बुरा लगा, वे बोली ऐसा भी कभी कोई परीक्षा करता है, परीक्षा करने का ढंग उचित नहीं है, मैं ब्राह्मणों के घर नहीं जाऊंगी। लक्ष्मी ने ब्राह्मणों को त्याग दिया, इसलिए सामान्यतः ब्राह्मण गरीब रह गए। अब आप देखिए
गृहस्थ लोग क्या करते हैं, ब्राह्मण को कुछ देना है ना, तो ब्राह्मण वाला पूरा पैकेज अलग होता है, सारा सस्ता वस्ता जैसा जो जला गला कुटा सामान है वो सारा ब्राह्मणों को दान किया जाता है। देखिए अब दान की सारी चीज़ें ऐसी होती हैं और वो प्रयोग नहीं हो पाती है, बस घर में आके पड़ी व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि मेरे चाचा जी ये पंडिताई करते हैं, तो मैं कई बार देखती हूँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बस पड़ी हैं, कोई यूज़ नहीं है, पर हाँ आई हैं क्योंकि दान आया है। तो ऐसी चीज़ें दान में मिलती है, इसलिए वो चीज़ कही गई है। और जो अनीति के मार्ग पर चलते हैं उनके यहाँ धन तो बहुत होता है लेकिन उनका परिवार नष्ट हो जाता है, और जो नहीं मांगते हैं वो नॉर्मली देखो दरिद्र ही रहते हैं। सुदामा दरिद्र ही तो थे, नरसिंह मेहता अपनी पुत्री के विवाह के लिए उनको आप जानते हैं, ऐसे तो सारी चीज़ें अलग ही हैं क्योंकि वो ईश्वर के भक्त हैं तो ईश्वर उनका सब कुछ करते हैं, पर हाँ सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो वो निर्धन थे, इस अनुसार मैंने कहने का तात्पर्य था। ज्ञानी मानते हैं कि जब से यह शारीरिक संबंध हुआ है तब से इसे दुख हुआ है, अतः वे शरीर से प्रेम नहीं करते। प्रेम करना ही है तो सबसे करो, किसी से प्रेम नहीं करना है तो कोई बात नहीं, किंतु अपने शरीर से तो प्रेम बिल्कुल मत करो। एक परमात्मा से प्रेम करो, सभी से प्रेम करो, अथवा सभी का त्याग करो। यदि तुम सभी का त्याग नहीं कर सकते हो तो सभी में ईश्वर भाव रखकर सभी से प्रेम करो। सभी में से ममता का त्याग करो, अथवा सभी कुछ ईश्वर को समर्पित करके कर्मफल का त्याग करो। मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो ईश्वर के लिए कर रहा हूँ और उसमें मेरी फल की कोई आशा या इच्छा नहीं है, मतलब मैंने जो कर्म किया ईश्वर अर्पण, वो वाली बात आ गई। सभी के प्रति मेरापन होना ही समर्पण है, यानी कि सबके प्रति, ऐसा नहीं कि किसी एक के प्रति, अमुक के प्रति ममता होना स्वार्थ मार्ग है। आज तो सभी स्वार्थ मार्गी हैं। गुजराती में एक दोहा कहा गया है, पैसो मारो परमेश्वर ने पत्नी मारी गुरु, छैया छोकरा मारा शालिग्राम पूजा कोनी करूं। पैसो मारो परमेश्वर ने पत्नी मारी गुरु, छैया छोकरा मारा शालिग्राम पूजा कोनी करूं। अब यहाँ कहने का तात्पर्य है कि धन संपत्ति ही मेरा परमेश्वर है, मेरी पत्नी मेरी गुरु है, मेरे संतान मेरे शालिग्राम है, अब मैं पूजा किसकी करूँ। और एक उक्ति और कही जाती है, पैसों मारो परमेश्वर ने हूँ पैसा नो दास, पैसा मेरा परमेश्वर और मैं पैसे का दास, ऐसी भी गुजरात में कहा जाता है। अब यहाँ एक कहने की तात्पर्य और है कि पत्नी के लिए पति गुरु और पति के लिए पत्नी गुरु, लेकिन हाँ पत्नी के लिए यदि पति सन्मार्गी और गुरु हो तो अच्छी बात है, वैसे तो पत्नी भी सन्मार्गी हो तो गुरु अच्छी बात है, क्योंकि आजकल होता क्या है ना कि जो कुमार्ग पर ले जाए उसी को लोग गुरु मान के उसी की बात मानने लग जाते हैं, इसलिए ये बात ऐसे कही गई है। आगे बढ़ते हैं, जो संसार में से जागृत नहीं होता वह कभी कन्हैया को नहीं पा सकता, कंस काम और अभिमान है वही सभी को कारागृह में रखता है। जागृत कौन है, जो मन से विषय सुख का त्याग करके भगवान के नाम का जाप करे वही जागृत है। जगत में कौन जागृत हुआ, तुलसीदास जी कहते हैं, जानिए तभी जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा, जब सभी में विषय विलास के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाए तब मानो कि वह जीव जागा। कपिल कहते हैं, माता जी यह मन अनादि काल से संसार में भटकता गया, सत्संग ने से मन सुधरता है, वासना का त्याग करने से मन सुधरता है। विवेकी पुरुष संग अथवा आसक्ति को आत्मा का बंधन कहते हैं, किंतु संत महात्माओं में जब आसक्ति या संग हो तो मोक्ष के द्वार खुलते हैं, अतः सत्संग करो। यानी कि आसक्ति भी कहाँ होनी चाहिए उसका भी उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया है कि संतों में आसक्ति हो ना कि संसारिक लोगों में। आगे बढ़ते हैं, देवहूति ने कहा, आप सत्संग करने की आज्ञा देते हैं किंतु मुझे तो इस संसार में कोई भी संत दिखाई नहीं देता। कपिल भगवान ने कहा, माता तब मानो कि आप पापी हो, पापी होने पर तो संत मिलन होने पर भी सद्भावना नहीं होती, संत को ढूंढने तुम कहाँ जाओगी, तुम ही संत बनोगी तो तुम्हें संत मिलेंगे। अब कहा जाता है ना कि जैसे को तैसे मिलते हैं, शराबी शराबी को ढूंढ लेता है तो जैसे को तैसे मिल जाते हैं, इसलिए बात ऐसे कही गई है। एकनाथ तुकाराम नरसिंह आदि गृहस्थ स्वामी थे, वे घर में रहकर ही संत बने। संतों के लक्षण जीवन में उतारोगे तो संत बनोगे, बिना सत्संग के सुख नहीं मिलता, स्वयं संत बने बिना सच्चा संत नहीं मिलेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, क्रोध के कारण हनुमान जी को श्वेत पुष्प लाल दिखाई दे रहे थे। हनुमान जी को कहते हैं कि जीवन में केवल एक बार क्रोध आया था, जब वो सीता माता को अशोक वाटिका में देखते हैं और उस समय रावण आता है, जो रावण
जो उनके साथ व्यवहार करता है उसको उस समय उनको क्रोध आ जाता है। ये एक ही प्रसंग ऐसा मिलता है जब हनुमान जी को क्रोध आता है। आगे बढ़ते हैं। एकनाथ महाराज रामायण के सुंदरकांड की कथा कर रहे थे। इस सुंदरकांड में सभी कुछ सुंदर है। सुंदरकांड का यह नाम इसीलिए रखा गया कि इसमें हनुमान जी की माता सीता जी को पराभक्ति के दर्शन हुए हैं, मतलब सीता जी के पराभक्ति के दर्शन हुए हैं। ब्रह्मचर्य और राम नाम हो तो इस संसार सागर को पार किया जा सकता है। अभी देखिए कहा ना, किसी की भी उपासना करो। आप कृष्ण भक्त पर राम की भी उपासना कर सकते हो, शिव जी की भी कर सकते हो, सारी बातें हैं। हनुमान जी जैसे ही इस सागर को पार कर सकते हैं सागर पार करके हनुमान जी अशोक बन गए। एकनाथ महाराज कथा में कहते हैं कि जब हनुमान जी अशोक बन गए तो वहाँ अशोक वाटिका में सफ़ेद फूल खिले थे। जहाँ सीता जी हैं वही अशोक वन है, जहाँ भक्ति है वहाँ अशोक यानी कि शोक का अभाव होता है। अब आपको बताऊं कि एक बात आपने सुनी होगी कि जहाँ भी राम कथा चलती है वहाँ हनुमान जी दृश्य अदृश्य रूप से कहीं ना कहीं विराजमान होते हैं। ऐसा ये तुलसीकृत रामायण में कहा गया है और ये सच्चाई भी है। और वही संत एकनाथ जो कथा सुना रहे थे वहाँ हनुमान जी भी होते हैं। अब हनुमान जी वहाँ कथा सुनने आए थे, उन्होंने प्रकट होकर विरोध करते हुए कहा, महाराज आप मिथ्या कह रहे हैं, अशोक वन में उस समय लाल पुष्प खिले थे, सफ़ेद नहीं, मैंने अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देखा था। एकनाथ महाराज ने कहा कि मैं तो अपने सीताराम को मानकर कथा कह रहा हूँ और मुझे जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही मैं कह रहा हूँ। अतः अंत में इस झगड़े को लेकर दोनों श्री राम के पास गए। रामचंद्र जी ने कहा कि आप दोनों की बात उचित है, क्रोधावेश में आंखें लाल होने के कारण हनुमान जी को सफ़ेद पुष्प लाल दिखाई दे रहे थे, अन्यथा वो सफ़ेद ही थे। मतलब दोनों की बात सही है, संत एकनाथ की भी और हनुमान जी की भी, क्योंकि हनुमान जी को जो क्रोध आ गया था ना उसमें उनकी आंखों में जो रक्त उतर आया था उससे वो पुष्प उनको जो है वो लाल दिखाई दे रहे थे, ऐसा कहने का तात्पर्य। अब यहाँ इन्होंने कहा है कि हनुमान जी रामचंद्र जी के पास जाते हैं, किंतु कई बार ये भी वर्णन मिलता है, मैंने और भी कथा जो पढ़ी, कि वो सीता जी के पास जाते हैं क्योंकि सीता जी उस समय वहाँ उपस्थित थी तो वो देख रही हैं, तो सीता जी से प्रश्न करते तो सीता जी भी यही उत्तर देती हैं जो राम जी देते हैं। और वैसे भी दोनों एक भाव में रहते हैं तो जो एक के पास है वो दूसरे के पास अपने आप पहुंच जाता है, वो बताने की आवश्यकता नहीं होती है। जिसकी दृष्टि जैसी होगी वैसी उसकी सृष्टि होगी। दुर्योधन को जगत में कोई संत ना मिला, उसने सभी को दुर्जन ही पाया। युधिष्ठिर को कोई दुर्जन ना मिला, उसने सभी को सज्जन ही पाया। संत के धर्म या लक्षण में तितिक्षा को प्राधान्य दिया गया है। सहज सहन करोगे तो सुखी होगे। संत का चरित्र पढ़ो, संत को कई दुख सहन करने पड़े हैं किंतु उन दुखों का संत पर कुछ प्रभाव नहीं होता। तो अतिशय सहन करें वही संत है। अब आप समझ सकते हैं कि लाक्षाग्रह से लेकर द्युत क्रीड़ा तक कितने समय का वनवास पांडवों को ने भोगा, और उसी वनवास के दौरान वो अपने आप को मजबूत बना पाए। और जबकि दुर्योधन हमेशा महलों में रहा फिर भी उसको हमेशा गुस्सा तनाव ना जाने क्या क्या बना रहा, वो हमेशा इस बात से परेशान रहा, उसको इस बात का कष्ट रहा कि मेरा राज्य छिन जाएगा और अंततो गत्वा वो हो गया, क्योंकि उसकी मानसिकता वैसी थी इसलिए ऐसा हुआ। आगे बढ़ते हैं। एकनाथ महाराज पैठण में रहते थे। गोदावरी नदी की ओर जाने वाले मार्ग पर एक पठान रहता था। एकनाथ महाराज उसी रास्ते से स्नान करने के लिए जाते थे। वह पठान महाराज को बहुत सताता था किंतु महाराज सब कुछ सहते। एक दिन उस पठान ने सोचा कि यह ब्राह्मण क्रोधित नहीं होता है, मतलब एकनाथ जी को गुस्सा नहीं आता था, क्रोध नहीं आता था, वो तो आज मैं इसे क्रोधित करके ही रहूँगा। महाराज स्नान करके वापस आते तो उस पठान ने महाराज पर थूका। महाराज दूसरी बार स्नान करने गए तो महाराज उस पठान ने पुनः महाराज पर थूका। कई बार ऐसा होता रहा किंतु महाराज क्रोधित ना हुए। गोदावरी से वे कहने लगे कि तेरी कृपा है कि तू मुझे बार बार स्नान करने के लिए बुला रही है। वह पठान चाहे दुर्जनता करता रहे मैं अपनी सज्जनता नहीं छोड़ना चाहता। पठान ने 108 बार महाराज के पर थूका और उतनी ही बार महाराज ने गोदावरी में स्नान किया। अंत में वह पठान लज्जित हुआ, उसने महाराज के पांव छुए और क्षमा मांगी। उसने कहा, महाराज आप संत हैं, ईश्वर हैं, मैं आपको पहचान ना सका। महाराज ने उत्तर दिया,
क्षमा का कोई प्रश्न नहीं है। तुम्हारे कारण तो आज मुझे 108 बार गोदावरी स्नान का पुण्य मिला। शांति उसी की बनी रहती है जो अंदर से ईश्वर के साथ संबंध रखते हैं। जो ईश्वर से दूर हैं उससे शांति कभी और कहीं भी नहीं मिलेगी। आप देखिए, जब कोई हमारे साथ अनुचित व्यवहार करता है उसमें भी कितना उचित व्यवहार कई बार ऊपर से हो जाता है वो लोग समझ नहीं पाते हैं। आप मजबूत वहीं बनते हैं। कहा ना, यदि दुर्योधन लाक्षाग्रह की पीड़ा नहीं देता तो वन में नहीं जाते और इतनी सारी चीज़ें नहीं होती, उनको इतने सारे अनुभव नहीं होते, सारी चीज़ें होती, सीखने को नहीं मिलता और सब कुछ देखने को नहीं मिलता। इसलिए कहा जाता है कि जितने कष्ट आप सहन करते हैं, उत्साह से, प्रसन्नता से सहन करते हैं, उतना ही हम मजबूत होते हैं। हाँ, पीड़ा के साथ सहन कर रहे हैं तो उतने हम कमज़ोर हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, ये बात है। कपिल जी कहते हैं, माता, जो बहुत सहन करता है वही संत बनता है। अतिशय विपत्ति में जो ईश्वर का अनुग्रह समझे वही महान वैष्णव है। और सहन शक्ति का तात्पर्य ये नहीं कि आपके पास सामर्थ्य नहीं और आप सहन कर रहे हो। आपके पास सामर्थ्य है और आप सहन कर रहे हो तब वो सहन शक्ति होती है। कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, ये आपने सुना होगा, पर समर्थ को दोष वो अनुचित बातों के लिए कहा गया। पर हाँ, समर्थ है और आप क्रोध नहीं कर रहे हैं तब वो सही बात कही जाती है। दुष्ट लोग किसी को भी अच्छा नहीं देख सकते। दुष्टों ने तुकाराम को गधे पर बिठाया तो तुकाराम की पत्नी को दुख हुआ, किंतु तुकाराम तो उससे बोले कि मैं विट्ठलनाथ जी ने मेरे लिए जो गरुड़ भेजा है उस पर बैठा हूँ। तो सभी ने गधा देखा किंतु तुकाराम की पत्नी ने गरुड़ देखा। अब आप ये सोचिए, तुकाराम और उनकी पत्नी में कितना एकत्व भाव होगा कि जो तुकाराम ने कह दिया वो उनकी पत्नी के लिए सत्य हो गया और वो सत्य ही उनको दिख रहा है। ये बात है पति पत्नी के आपसी विश्वास और समर्पण की, कि क्या पराकाष्ठा होती है वो आप समझिए। जगत में सब कुछ सहन करते हो। जगत में अंधकार का अस्तित्व है, अतः प्रकाश का मूल्य है। संतों का पहला लक्षण तितिक्षा है, दूसरा लक्षण करुणा है, तीसरा लक्षण है संतों का पहला लक्षण तितिक्षा है, दूसरा करुणा है, तीसरा लक्षण है सभी देहधारियों के प्रति सदहृदय भाव। कोमा आ गया तो समझ में नहीं आ गया तीसरा लक्षण कहाँ चला गया, इसलिए दोबारा पढ़ना पड़ गया। संतों का पहला लक्षण है तितिक्षा, दूसरा है करुणा और तीसरा लक्षण है सभी देहधारियों के प्रति सहृदय भाव। अजात शत्रु, शांत सरल स्वभाव आदि भी संतों के ही लक्षण हैं। शांति की परीक्षा प्रतिकूलता में होती है। अर्थ धन संपत्ति से तो प्रतिदिन संबंध रखते हो, किंतु उसके साथ साथ परमात्मा से भी संबंध रखोगे तो संपत्ति की भी मिलेगी और शांति भी मिलेगी। भागवतकार कहते हैं कि इस जीवन गाड़ी की केवल पटरी ही बदलनी है। ईश्वर के लिए सब कुछ त्याग दो, यानी कि आप केवल थोड़ी सी विचारधारा बदलते हैं उसमें सब कुछ बदल जाता है, बस उतना ही परिवर्तित करना है। संत पुरुष प्रभु के हितार्थ सर्वस्व का त्याग करते हैं। मत कृते त्यक्त कर्माणि, त्यक्त स्वजन बांधवा। संत मेरे अर्थात परमात्मा के लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों का त्याग करते हैं। संत परमात्मा के लिए संसार के विषयों का बुद्धिपूर्वक त्याग करते हैं। भगवान परीक्षा करते हैं, करके ही अपनाते हैं। भूखे मारूं भूखे सुवाड़ूं, तन्ने पाड़ूं छाल, पछी करीश निहाल। मतलब कहने का तात्पर्य है कि भूख से ही व्याकुल करूंगा, भूख से ही सुलाऊंगा, भूखा ही सुलाऊंगा, तन को गला दूंगा और फिर तुझे संपन्न भी करूंगा। मतलब आपने देखा होगा कि हमारे ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं, शरीर का कंकाल हो जाता है, उसके बाद जब वो प्रभु दर्शन होता है तो पुनः जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं। तो ये कहने का तात्पर्य, पर ये गृहस्थ जीवन में ये चीज़ संभव नहीं हो सकती है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में यदि आप तपस्या करने बैठ गए तो घर के काम आप देख नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। तो आपको घर के काम करते करते, जो कहा ना भक्ति मार्ग, घर के काम करते करते ईश्वर में स्मरण लगा रहिए। क्योंकि जैसे माता बच्चे को ध्यान में रखकर सारे काम करती रहती है, माँ के दिमाग में एक बच्चा घूमता रहता है, बच्चा क्या कर रहा है, दृष्टि वहाँ है और सारे काम होते हैं, वो वाली बात है, वैसे करना है। भगवान ने नरसिंह मेहता को कई बार परीक्षा ली थी, पर हे भगवान, इस कलयुग के में आप ऐसे परीक्षा करोगे तो कोई आपकी सेवा नहीं करेगा। आज कलयुग में मनुष्य जरा से दुख से पीड़ित होकर भगवान बदल देता है। आप देखिए, एक इच्छा पूरी ना हो तो भगवान बदल देते हैं लोग। तो ऐसे में आप परीक्षा करोगे तो कहाँ ही जाएंगे लोग। भागवत
पराणे रहकर भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन करें, भगवान में ही चित्त रमता रहे तो भक्ति का विकास होता है। भगवान की कथा सुनने से श्रद्धा दृढ़ होती है, उसके बाद भगवान के लिए आसक्ति बढ़ती है, आसक्ति बढ़ने से व्यसनात्मिका शक्ति प्रधान प्राप्त होती है, और जिसकी भक्ति व्यसनात्मिका बन जाए उसी की मुक्ति सुलभ होती है। भक्ति जब व्यसन से उत्कृष्ट बनती है तब ईश्वर के पास ले जाती है। यहाँ भक्ति को व्यसन बन जाए ऐसा कहा गया है। जैसे जिसको व्यसन होता है ना, जिस चीज़ का कि जिसको आदत होती है, लत होती है, व्यसन होता है, वो उस चीज़ के बिना रह नहीं सकता। तो वैसे ही आप ईश्वर का व्यसन लगा लो, ईश्वर की भक्ति का व्यसन लगा लो, तो फिर कभी उसके बिना नहीं रह पाओगे, तो अपने आप ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। हे माता, तीव्र भक्ति के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। तीव्र भक्ति का अर्थ है व्यसनात्मिका भक्ति। तुकाराम ने भक्ति की बड़ी अच्छी व्याख्या दी है। एक क्षण भी जो भगवान से विभक्त ना रह सके वह भक्त है। व्यवहार का कामकाज निभाते हुए भी जो भगवान से विभक्त ना हो पाए वही भक्त है। तीव्रेण भक्ति योगेन, माता देवहूति को तीव्र भक्ति करने का उपदेश दिया है। तीव्र भक्ति का अर्थ है एक ही क्षण में ईश्वर से विभक्त ना होना। एक भी क्षण ईश्वर से विभक्त ना होना वही तीव्र भक्ति है। इस तरह प्राकृतिक गुणों से निष्पन्न शब्दादि विषयों का त्याग करके वैराग्य युक्त ज्ञान से, योग से और मेरे प्रति की गई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य अपनी इस देह में अपनी अंतरात्मा के समान मुझे ही प्राप्त कर लेता है। भगवान की अहेतुकी निष्काम भक्ति भावना भक्ति से श्रेष्ठ है। कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं, यह सब जो दृश्यमान है वह सत्य नहीं है। स्वप्न सत्य होते हुए भी सुख दुख देता है, स्वप्न असत्य होते हुए भी सुख दुख देता है। इनकी कई बार पहले वर्णन किया कि जब स्वप्न मनुष्य देखता है तो सुखी दुखी होता है, क्योंकि वो सत्य नहीं है, फिर भी उस समय उसमें जीता है इसलिए वो सुखी दुखी होता है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले को अपना मस्तक बिना कटे उसके कट जाने की भ्रांति होती है और उसे भय रोने लगता है, उसी प्रकार अविद्या के कारण जीवात्मा को भी यह सब भ्रांति होती है। इसे ही वह माया कहते हैं। वस्तु न होने पर भी वह स्वप्न में दिखाई देती है। उसी तरह तात्विक दृष्टि से सब कुछ न होते हुए भी जागृत अवस्था में माया और अज्ञान के कारण सब कुछ आभास होता है। कपिल आगे कहते हैं कि माता, जगत स्वप्न जैसा है। यह सिद्धांत भागवत में बार बार इसलिए कहा गया है कि जिससे जगत के पदार्थ के लिए मोह ना जगे, संसार के विषयों के प्रति पूर्णतः वैराग्य हो, इसलिए यह कहा गया है। सांसारिक सुख के उपभोग की लालसा जब तक बनी रहे तब तक मानो कि तुम सोए हुए हो। जागे हुए को ही कन्हैया मिलता है। सुख भोगने की इच्छा बड़ी दुखद है। हर कोई सुख चाहता है पर वो दुखद है। भागवत ध्यान में जगत विस्मृत हो जाए तभी ब्रह्म संबंध जुड़ता है। ध्यान में प्रथम शरीर को स्थिर करो, फिर आँखों को स्थिर करो और अंत में मन को स्थिर करो। जब तक शरीर और आँखें स्थिर नहीं हो पाती तब तक मन स्थिर नहीं हो पाता। आँखों में श्री कृष्ण के स्थिर होने पर मन शुद्ध होता है। भक्ति गोवर्धन नाथ का स्वरूप है। श्री कृष्ण के स्वरूप में ध्यान रखकर कथा सुनो। आंखें श्री कृष्ण में और प्राण कानों में स्थिर करके कथा सुनो। मतलब आंखें श्री कृष्ण, मतलब बंद आंखें हों तो भी आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल में किसी भी देवी देवता को जिसके आप उपासना करते हो उसका एक चित्र ले लीजिए, मोबाइल में ले लीजिए, या आप कहीं दीवार पर लगा दीजिए और उसको खुली आँखों से देखिए, फिर उसको ही बंद आँखों में देखने का प्रयास करिए। इस प्रकार आपकी दृष्टि वहाँ स्थिर हो जाएगी। आप जिस देवी देवता की उपासना करते हैं उस पर आपकी दृष्टि हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, तो उसके साथ आप कथा सुनेंगे, कान से पूरा ध्यान वहीं लगा देंगे तो आप उसमें सफल हो पाएंगे, ऐसा कहने का तात्पर्य है। जिसे ध्यान करना है वह एक आसन पर बैठे मन को स्थिर करें, ध्यान करें। ध्यान करते समय संसार को मन से निकाल कर बाहर करो। ध्यान करने से मन स्थिर होता है। बिना ध्यान के दर्शन परिपूर्ण नहीं होता है। अब हम आगे की कथा जो आएगा, ध्यान के निर्देश और उसके करने के और ना करने के दोनों के परिणाम बताए जाएंगे, हम अगले अंक में देखेंगे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद, वंदे मातरम।